फांसी की सजा दी गई थी। विदेश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। अब चुनाव जीतने के लिए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र विरोधी है। अफजल गुरु कौन था, बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं, निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं, षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं, मामला ऊपर कोर्ट तक गया, सही पाया गया कि नहीं, रिव्यू हुआ, रात में लोगों ने फांसी रोकने के लिए दरखास्त दिया, मालूम है ना आपको, आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी शांत हो जाती है? यही है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा।